नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एंड स्क्रीन के बारे में। एंड स्क्रीन हम कैसे लगाते हैं? सपोज हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है तो हम किस तरह से एंड स्क्रीन लगा सकते हैं? तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से हम एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले YT स्टूडियो के डैशबोर्ड में हम जाना है, उसके बाद कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो ये वीडियोस है उस पर एडिट पे हम क्लिक करेंगे। जहाँ एडिट पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सबटाइटल के जस्ट नीचे एंड स्क्रीन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इंपोर्ट फ्रॉम वीडियो भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर थीम सेलेक्ट करके एंड स्क्रीन सेट कर सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं कि कहाँ से हमें एग्जैक्ट एंड स्क्रीन लगाना है। तो इस तरह से आपका जो एंड स्क्रीन है यहाँ पे आया है, तो इसको हम सेट कर लेंगे। हम पर्टिकुलर वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्क्रीन के लिए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अभी बेस्ट फॉर व्यूअर्स का ऑप्शन है। हम अपने हिसाब से भी पर्टिकुलर वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट है मोस्ट रीसेंट अपलोड, मतलब जो भी रीसेंट अपलोड होगा वो आपको YouTube दिखाएगा यहाँ पे। इसको हम सेव कर देते हैं एंड इसका प्रीव्यू हम देखते हैं किस तरह से एंड स्क्रीन दिखता है सेव होने के बाद। तो एंड स्क्रीन लग गया है, हम देखते हैं किस तरह से एंड स्क्रीन का प्रीव्यू दिख रहा है। तो गाइस देखिए, इस तरह से एंड स्क्रीन लग चुका है आपके वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा कि किस तरह से एंड स्क्रीन हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी सिटी से वीडियो देख रहे हैं, सिटी का नाम कमेंट ज़रूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।